बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज टीम टॉप स्टोरी पहुंची है लाहौर शहर की सब्जी मंडियों की जानिब और ये देख रही है कि ईद कुर्बान से दो रोज़ कबल सब्जियों के नर्ख कहाँ पहुँचे हैं। आज की टॉप स्टोरी आपके लिए होगी ताकि आपकी ईद कुर्बान बहुत डिलीशियस हो, जायकादार हो, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम हाईलाइट करें कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और इंतज़ामिया इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई काम कर रही है या नहीं। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर शहरियों से हम बात करते हैं। आपने मिर्चें ली हैं, इसकी कीमत क्या है? 50 रुपये पाओ। और जब आप बाजार से कहीं और से लेती हैं, मंडी से नहीं लेती, तो वहाँ पर क्या है? वही भी यही रेट है, मंडी में भी यही रेट है। आपकी नज़र से ये कीमत मुनासिब है? नहीं, नहीं। अच्छा, पाओ अगर बचने का फ़ायदा क्या? ठीक है। आप कहाँ से, कितनी दूर से आई हैं? हम शालामार से। और आप इस कोशिश में आई हैं कि शायद यहाँ पर कुछ बचत हो सके, तो हुई आपकी बचत? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हम शहरी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आए कहाँ से हैं? सलाम, इधर शालामार बाग से। दूर से आना और मंडी आना, ये जो शहरी हैं वो क्या माइंड बना के आते हैं मंडी? हम तो इसलिए आते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ मुनासिब रेट पे मिल जाएगी हमें, लेकिन रेट तो कोई फर्क नहीं है। मिशन आपका पूरा नहीं हुआ? कोई मिशन पूरा नहीं है। कल 100 रुपये किलो नींबू था, आज 200 रुपये किलो नींबू थे, एक दिन में 100 रुपये बढ़ गया है। तो ईद कुर्बान की वजह से कि नींबू तो बड़ा काम आता है ईद कुर्बान पे, तो ये क्या है? सरकारी रेट देखे ना, आपका लिखा हुआ है 110 रुपए, इधर 200 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, 200 रुपए किलो नींबू है। और आप ये देख ले, नींबू यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगी और उसका रेट भी पूछूंगी। दो दिन रह गए हैं ईद कुर्बान में और सरकारी नर्खनामे में 110 और मंडी में जब अगर आपको 200 मिलेगा तो फिर अंदाजा लगाए की आपके गली और मोहल्ले में नींबू की कीमत क्या होगी। मिर्चे बताए? मिर्चे 50 रुपए पाव दे रहे हैं, पहले यही मिर्चे 20 रुपए पाव थी, आज एक दिन में 50 रुपए पाव हो गई है। एक दिन में जो है वो मिर्चों की कीमत में भी इजाफा हो गया। हाँ जी, क्या कह रही हैं? गली सड़ी पालक डाली जा रहा है, सही है। जो फ्रेश नहीं है। नींबू की कीमत पूछते हैं, यहाँ पे मुझे नींबू नजर आए हैं। आइए जरा, नींबू मंडी में किस तरह से मिलते हैं और फिर बाहर जाते जाते कितने महंगे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नींबू की कीमत? नींबू 40 रुपए पाव किलो। 160 रुपए। 160 क्यों है? सरकारी रेट जो 110 है, क्या मसला है? इधर क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? ये इनसे पूछे, इतना महंगा तो यहाँ बिकना नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना महंगा बिक रहा है तो फिर बाजार आम तो शहरी कहाँ से लेगा? इतना से कोरोना लगा वो लगा हुआ है जिसके अंदर कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। मिर्चे बताए जरा? मिर्चे 40 दे रहे हैं। मिर्चे 40 बताया, ग्राहक को 50 दे, 40 रुपए पाव लिए इनसे। चले मुझे बताएं, 93 है सरकारी रेट, 93 रुपए किलो, और आप पाओ इतने में बेच रहे हैं? महंगी है ना, जहाँ से और कहाँ पीछे मंडी आई हूँ भाई, और कितना पीछे? और कितना और कहाँ जाऊँ? अब मैं खेतों में जाऊँ, किसानों से पूछूँ रेट? क्या लेने जाना आपने? ये देखो, ये 30 रुपए पाओ है। ठीक है, और क्या लेना? अच्छा, मंडी में क्यों चीजें महंगी है? मंडी से आएगा तो महंगा ही देना ना अगले ने। से महंगी आती है तो आप कहाँ से खरीदते हैं? महंगी कहाँ से आती है? रामी बाग में। अच्छा। उधर जाके आप पता करें ना भी ये पेटी का कितना रेट है। नींबू बताइए फटाफट से, बता दीजिए कि कितने रुपए बेच रहे हैं? नींबू 140 भी बिक रहे हैं, 120 भी बिक रहे हैं। अच्छा। ये सरकारी रेट 110 है। और शहरियों से बात कर लेते हैं, मंडी आते हैं शहरी ये सोच करके यहाँ पे सस्ती चीजें होंगी, होती है? नहीं, यहाँ पर कोई सस्ती नहीं है। सब्जी बड़ी महंगी, सब्जी दे रहे ने। आलू ने 80-90 रुपए देने, आलू आलू किलो तो वैसे 50-60 रुपए दे रहे हैं, आलू तो 90 रुपए आलू दे रहे हैं। ईद की वजह से है? ईद की वजह से, ईद की वजह से दे रहे हैं सब कुछ। हम मार्केट कमेटी के सदर से भी बात करेंगे कि ये माजरा क्या है कि जब भी ईद कुर्बान आती है तो शहरी मंडी जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं और फिर अपने घर की आसपास जितनी दुकानें हैं वहाँ के मालिकान के हाथों इस तरह से ब्लैकमेल होते हैं, तो इंतजामिया ऐसी सूरत में क्या करती है? एक और शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या लेने आए हैं? ये मैं टमाटर लेने आया हूँ, बाहर रेहड़ियो वाले भी जो हैं वो भी 100 रुपया किलो दे रहे हैं, ये भी 100 रुपया किलो दे रहे हैं, फर्क तो कोई नहीं, 70 रुपए किलो आलू दे रहे हैं। और जो टमाटर है यहाँ पर 76 रुपए, हाँ तो ये दे रहे हैं, बाहर भी रेहड़ियो वाले वो 100 दे रहे हैं, ये मंडी वाले भी 100 ही दे रहे हैं।
ठीक है, 76 जो है ये ऑफिशियल रेट है, और अभी तक जो टमाटर है वो 100 में पहुंच गया है, तो कल और परसों फिर क्या आलम होगा? वो यही आलम होगा कि नहीं डालेंगे टमाटर, दही का इस्तेमाल करेंगे। एक और शहरी ने खूब शॉपिंग कर लिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहरी मंडी का रुख तब करते हैं जब उन्हें लगे कि मंडी से सस्ती चीजें ले आएंगे, आपका ये मिशन अकम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया? काफी हद तक हो गया, लेकिन ईद की वजह से मंडी के रेट जो है वो नॉर्मली हम मुसलमान है ईद के मौके पे रेट ऊपर कर देते हैं, ईद की वजह से रेट ज्यादा। अभी मैंने टमाटर मार्केट से लिए थे वो 80 रुपीज के जी मिले थे, तो यहाँ पे टमाटर का रेट है 120 या 100 रुपीज पर के जी। इतनी गर्मी में, जुलाई की गर्मी में पसीने बहाते हुए शहरी मंडी आते हैं, लेकिन उनको वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। जी इसी वजह से मंडी आते हैं कि पूरे महीने का राशन वो ले जाते हैं, लेकिन मार्केट की निस्बत उन्हें थोड़ी सी इधर रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन जो रिलीफ होना चाहिए ये लिस्टों के मुताबिक वो रिलीफ नहीं है। उसमें मैं कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, दे आर कंप्लीटली फेल्ड। गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मींस म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, दे हैव दी, नहीं है ना नाजिम हमारे मेयर शेयर, इफ दे आर देयर बट दे आर लिटली फेल्ड, दे आर फेल्ड टू इंश्योर दी प्राइसेस, दे नेवर विजिट दी मार्केट्स, दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट दी कॉमन पीपल, किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं, नाइदर ही इज इंटरेस्टेड, ही इज स्लीपिंग ओनली इन, ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन स्लीपिंग। उन्हें करना क्या चाहिए? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमने उन्हीं के साथ कोऑपरेट करके इस मुल्क को आगे लेके जाना है और खुद भी काम करना है, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो आप जैसे शहरी हैं उनको फायदा हो सके? देखिए उन्होंने एक मुशीर नुमा वजीरों की फौज रखी हुई है, उन मुशीरों को उनको निकालना चाहिए फील्ड में, उनको फील्ड में जाना चाहिए, उनको अपनी ब्यूरोक्रेसी को फील्ड में निकालना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी टिल सच टाइम ब्यूरोक्रेसी डजंट कम हियर, दे विल नॉट नो के इधर क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, सिर्फ उन्होंने डिसिप्लिन को इंश्योर कराना है, डिसिप्लिन इंश्योर कराने पर कोई पैसा नहीं लगता। शहरी है और उनकी उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि जितने मुशीर नुमा वजीर हैं वो फील्ड में निकले हैं और नीचे लेवल की ब्यूरोक्रेसी को भी फील्ड में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एक और शहरी जिन्होंने बहुत ज्यादा सब्जी की शॉपिंग कर ली है, किस तरह लिया अदरक आपने? ये अदरक ये 220 रुपए का आधा किलो लिया और 440 रुपए यानी के पहुँच गया। हाँ जी। और 380 रुपए सरकारी रेट है, और अगर मंडी में ये सूरत हाल होगी तो फिर आप जो आपके गली मोहल्लों में लोग हैं सब्जी वाले वो कितनी महंगाई करके बैठे होंगे? वो तो ज्यादा महंगाई की है उन्होंने। मंडी आने का फायदा क्या हुआ आपको? पसीने वसीने सब कुछ, कोई फायदा नहीं है, 10-5 पे कम मिला रेट। अच्छा। कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, टमाटर का रेट? टमाटर ये मिले 70 रुपए किलो, कच्चे टमाटर है ना ये, तो इसलिए ये दिखा दें जो 76 रुपए किलो है सरकारी नरखनामे पे वो दर्जा अव्वल है, लेकिन उन्होंने 70 लिए और ये दर्जा अव्वल भी नहीं है। टमाटर का आपको क्या रेट बताया उन्होंने? ये 50 रुपए, 50 रुपए, लेकिन ये अव्वल दर्जे की सब्जी तो नहीं है। हाँ जी। चलो नाजरीन, जो कम्प्रोमाइज कर रहे हैं और जिनकी जितनी जेब गवारा करती है वो टमाटर लेते हैं ये वाला, और ये हमारे शहरी डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, पंजाब जो है वो फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की, और हम ये डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं सफ़ेद पोश तबका है, मैं नहीं दिखाना चाहती कि कौन कंप्रोमाइज्ड तरीके से सब्जी खरीदता है और कौन अच्छी सब्जी खरीदता है, क्योंकि एवरीबडी डिज़र्व अ गुड ट्रीट, तो मैं तो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। नींबू के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, नींबू किस तरह दे रहे हैं? 120 क्यों, किस हिसाब से 120? 30 रुपए पाव। नहीं तो ये जो लिस्ट है ये कहाँ लेकर जाएं हम? तो क्या रेट है? 110। दो रेट होते हैं ना, एक अच्छे से अच्छा रेट होते हैं दो। नींबू मंडी में 150 रेट है, चले 105 है और 110 है, आप या 105 में दें या 110 में दें, 120 क्यों? महंगाई बहुत ज्यादा। तो ये आप बता दें कि जो ये लिस्ट है ये यहाँ पे भी नहीं चलती? चलती है, क्यों नहीं चलती, कभी कभार ऐसा होता है रेट का फर्क आ जाता है पीछे से, उस वजह से परेशानी होती है। ठीक है, लेकिन ईद के दो रोज से कबल आप देख ले सूरत हाल क्या है। आइए मजीद शहरियों से बात करते हैं, कहाँ से आए? चावल लेने के थे बड़ी मंडी, तो वहाँ पे 1500-1600 रुपए की पेटी मिल रही है, और टमाटरों की पेटी 1200 की मिली है, 1000 रुपए किस हमारे 100 रुपए किलो बेचने पड़ रहे हैं, और हरी मिर्च कल बेची थी 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो हो गई है, और लेमन कल 100 रुपए किलो थे, आज
200 रुपए किलो हो गई। यानी कि नाजरीन सब्जियों के जो रेट हैं ईद कुर्बान से दो रोज कबल 70-80% महंगे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने कहाँ से लाहौर के किस इलाके से यहाँ का रुख किया है? मैं एयरपोर्ट की साइड से आया हूँ। एयरपोर्ट की साइड से आए हैं, जाहिर बात है जो हम शहरी हैं उनको उनकी यही एक छोटी सी कोशिश होती है कि अपनी हलाल की कमाई से कुछ चंक्स हम बचा लें, लेकिन यहाँ पे भी आके हमारा वो जो हिस्सा है वो बचता ही नहीं है, यहाँ पे भी उतना ही रेट। हाँ जी बिल्कुल है, मगर ये है कि इधर ज़रा आपको चीज़ थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, रेट इनके भी एक्सेस हैं। ये रिसेंटली 2 डेज से जो है ना इनका जो है ना प्राइस रेट वो ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि वो सेल्फ प्राइस जो होती है ना इंसान खुद से ही जो है ना मेजर कर लेता है कि ये इतनी मैंने जो है ना प्राइस लगानी, वो चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आपने अभी क्या क्या सब्जी खरीदी? अभी तो मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैं तो 2 दिन पहले लेके चला गया हूँ, तो टमाटर वगैरह का रेट जो ना वो ज़्यादा बढ़ गया और अदरक और लहसुन का। और यही वो चीज़ें हैं जिसमें कुर्बानी का जानवर पकना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें ये हैं, मगर ये है कि इमरान खान साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये जो चीज़ है ना इसका चेक एंड बैलेंस जो है ना वो देखें, और ये जो आप इमरान खान साहब जो है ना वो फ्लॉप हो चुके हैं ना, इसको जो है ना वो अपने आप को दोबारा से जो है ना इस चीज़ के लिए आवाम में हाईलाइट करने के लिए ना बेहतर से बेहतर इकदाम करें, खासतौर मकबूलियत के लिए ये काम करने होंगे तभी मकबूलियत मिल सकती है। बिल्कुल जी, तकरीबन हमारे मुल्क में 70-80% जो लोग हैं ना वो गरीब तबके पे मुश्तमिल हैं, इंक्लूडेड विद मी, तो हम लोग इन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गरीब बंदा तो यही चाहता है कि उसको बेहतर से बेहतर जो है ना ये मामला तो उनके सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, मगर ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, बातचीत हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हम ईद कुर्बान से दो रोज़ कबल मंडी पहुँचे हैं, इतनी गर्मी में हमारी पूरी टीम यहाँ पर है बस ये जानने के लिए कि कहाँ क्या काम हो रहा है, हम ये बात कर सकें आपके सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा साल, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम जो तर्जुमान हैं और इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया है वो मिलकर क्या काम कर रही है, ईद कुर्बान से कबल रेट कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाजारों में रेट क्या है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, तो अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे कैरेज, और ये जो रेलवे कैरेज है यहाँ अमूमन बहुत मुनासिब दामों में सब्जी मिल जाया करती है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ईद कुर्बान से दो रोज़ कबल क्या रेलवे कैरेज की शॉप्स पर भी मुनासिब दामों सब्जी दस्तयाब है या नहीं है। और दूसरी बात, हमने पहले सेगमेंट में जो मंडी का रुख किया था, अक्सर जो दुकानदार हैं हमसे गिला करते हैं कि जब मंडी का रेट ही महंगा होगा तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कम दामों सब्जी बेचेंगे। इस सवाल का जवाब हम लेंगे चौधरी इजाज़ से जो कि सदर हैं बादामी बाग सब्जी मंडी के। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक तो कैसे हैं और ईद कुर्बान के हवाले से, रेट्स के हवाले से क्या क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी ईद उल अज़हा जब भी आती है ना जी, ये 3-4 चीज़ें जो है वो तो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। जिस किसी को 1 किलो की ज़रूरत होती है वह 5 किलो 10 किलो लेके जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टमाटर जो कि मेन चीज़ है जो कि हर घर की ज़रूरत है, वो ईरान से भी आ रहा है, बलूचिस्तान से भी आ रहा है, अब काबुल से वो टमाटर आना शुरू हो गया। अभी टमाटर जो ईरान से इंपोर्ट हो रहा है ना जी, वो बलूचिस्तान और कराची की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अच्छा, इधर जो है कल भी एक फ्रीज़र कंटेनर आ गया है, आज भी फ्रीज़र कंटेनर आ गया है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। रेट जो है अभी लाहौर मंडी में अच्छा टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, दुकानदार अगर उसके आप कह रहे हैं अच्छा टमाटर 80 रुपये, लेकिन हुकूमत जो रेट निकाल रही है वो 76 है, फिर भी हुकूमत रेट को चैलेंज क्यों? अच्छा, ये जो रेट जो आप हुकूमत निकाल, ज्यादा से ज्यादा रेट बता रही हूँ तो कम से कम 72 है अव्वल दर्जे का टमाटर का। अच्छा, वो ऐसे है कि किसी वक्त आप मदिया कितनी बार आपने शो किया है सब्जी मंडी में भी आके आप देखते हैं कि किसी वक्त रेट लिस्ट पे रेट 70 रुपये लिखा होता है और बिक 50 रुपये होता है। अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा इसलिए नहीं है कि तब ऐसा होता है जब इस तरह का नींबू हो या इस तरह की सब्जी हो, दे देखें इस तरह होता है वाला है। ये नींबू बेचने वाला तो नहीं है। अच्छा? फिर भी आवाम ले रहे हैं इसको, क्या मजबूरी है फिर आवाम की? अभी नींबू लाहौर मंडी में 100 रुपये किलो और अच्छा नींबू जो है 120 रुपये किलो बिक रहा है। अगर वो कहे 200 रुपये किलो तो वो गलत कर रहा है, वो ज्यादा मुनाफा ले रहा है। अच्छा, आपने कहा अच्छा नींबू 120, लेकिन आज का नकनामा कहता है 105 कम से कम और 110 ज्यादा से ज्यादा। ये रेट आपको पता है कि ये कल का है, ये आज की
ये तारीख हाथ में आज की तारीख है 29 तारीख है, जरा कैमरा मैन जूम इन करके दिखाएं इसको। ये आपको कल का जो ऑक्शन हुई है ना, ये उसका रेट है। आज जो ऑक्शन होनी है ना, उसका रेट जो वो कल आएगा। अच्छा। लेकिन अभी मार्केट में जो नींबू बिका है, अच्छा नींबू जो है, आप जितनी मर्जी वजाहत दे लें, कल एक दिन रह जाएगा ईद में और इससे ज्यादा महंगी हो जाएंगी सब्जियाँ। मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? हाँ या ना? सब्जियाँ महंगियाँ नहीं होंगी, ये तीन चीजें अदरक लहसुन और टमाटर और प्याज, प्याज भी सस्ता है। मुझे साइंस समझाएं, मंडी में चीजें क्यों महंगी हैं? ये साइंस, ये जो इसको मैजिस्ट्रेट आके जुर्माना करता है, इसको पकड़ के ले जाता है, ये बेचारे का कसूर क्या है? ये जब कहता है मंडी महंगी है तो ये ठीक कहता है। किसने कहा कि आपको मंडी में वो चीजें महंगी हैं? किसने कहा? मैंने सर, मैंने अभी पहला सेगमेंट ही मंडी में किया है। नींबू महंगा है, प्याज महंगा है, हरी मिर्चे महंगी है, वो 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। मैंने अभी, आप प्रोग्राम को घर जाके कम्प्लीट देखिएगा और पहले सेगमेंट में देखिएगा कि मिर्चे कितनी महंगी है, नींबू कितना महंगा है, टमाटर कितना महंगा है। अच्छा, नींबू में आपको बताया कि 100 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। अच्छा, और ये देसी नींबू है, अच्छा नींबू जो कि आप उसको जो है एक एक दाना निकालते हैं, वो 120 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। अच्छा नींबू जो है 80 रुपए 100 रुपए किलो जी। अच्छा देखें जा साहब, आप कह रहे हैं कि अच्छा नींबू 120 रुपए है, तो ये आपके और मेरे घर पहुँचते पहुँचते 200 का हो जाएगा कि नहीं? कैसे हो जाएगा सर? ये हो जाता है, यही तो रोना है। दुकानदार मदिया अपना मुनाफा लेते हैं, लेकिन इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, जितना जायज मुनाफा है उतना मुनाफा ले। ये ज्यादा मुनाफा तो नहीं ले सकते। ये जो नींबू है, ये आपको कैसा लग रहा है? जरा मैं इसकी, जरा साइड पे होइएगा भाई, जरा साइड पे होइएगा। ये नींबू बताइएगा कितने दे रहे हैं? नींबू खरीदा आपने? जी खरीदा हूँ। बताइएगा इसने कितना रेट बताया नींबू का? नींबू का रेट भी मैं प्याज दिया, मैंने प्याज दिया। नींबू का रेट बताएं भाई। 50 रुपए पाव। और किलो 200। ठीक है जा साहब आ जाएं। आपने मुझे झुटलाया ना कि 200 कहाँ मिला, अब आप बताएं। आपके सामने इनको मधिया कुछ नहीं कह सकता, ये 200 रुपए किलो गलत बेच रहे हैं। 100 रुपए किलो मंडी, 120 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, तो 80 रुपए आने का इनका कैरेज का जो 180 रुपए इनको। यही रोना है, यही प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एजेंडा है, जो बात किसी को समझ नहीं आती। बेटा 120 रुपए पाव दे रहे हैं, अदरक कितना महंगा दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी चीजें सारी है। सर, मैं इनको और अथॉरिटी को, इंतजामिया को यही समझाने की रोज कोशिश करती हूँ, मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप समझाएं जरा, आपकी शायद समझ आ जाए। मैंने क्या समझाऊं, आप तो आई हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रही हैं, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन कोई गवर्नमेंट का आदमी, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई फूड अफसर है, कोई नहीं आता कि रेट आके चेक करे, और जो नाकिस चीजें यहाँ मिल रही हैं। सर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? रेलवे से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं, और बताएं पेंशन आ रही है? पेंशन मिल रही है, लेकिन वो बस ऐसा ही है, कभी मिल गई कभी रुक गई। पेंशन में मतलब मेरा सवाल जो है ना, कोई एक जाति नौयत का है, लेकिन फिर भी मैं पूछना इसलिए चाहती हूँ ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद हो जाए। इस पेंशन में ये 200 रुपए वाले नींबू ये अफोर्ड कर सकते हैं? मैं नहीं खरीद सकता ये। कभी भी नहीं। ये चीज, ये आम आवाज की, आम शहरी की आवाज। जी हाँ, बड़ा गोश्त नहीं मैं खा सकता, चिकन उसके मुकाबले में सस्ता है। ये आम शहरी की आवाज है। क्या किया ये जा? पाकिस्तान के 70% लोगों की मजबूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पेंशन में क्या गुजारा होगा मेरा। अच्छा, ये वाले शहरी भी मुझसे बात करना चाहते हैं, बताइएगा। देखिए जी, मुझे तो समझ नहीं आती कि इंतजामिया है कौन सी, किसके पास जाए हो, आवाम किसके पास जाए, रोना रोए जाके कुछ सुनता है क्यों नहीं? सब कुछ हमारी अपनी बनाई हुई चीजें। ये लीमू वाकई सही कह रहे हैं, 120 रुपए किलो है, यहाँ पे 200 रुपए किलो है, ले मजबूरी लेके जाना है अब लाजमन घर में। ये तो रेलवे कह रहे जो ना, यहाँ पे फिर डिसेंट सी है, यहाँ पे 200 रुपए किलो है नींबू, लेकिन अगर यही जौहर टाउन, इकबाल टाउन, डिफेंस के इलाके में चले जाएं तो नींबू 400 रुपए हो जाता है कि नहीं? हो जाता, बिल्कुल 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 हो जाता है। तो ये तो फिर हम एक मीडियोकर इलाके में है, अगर हम उनका क्या कसूर है जो दूसरे इलाकों में रहते हैं? अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं जी, 80 रुपए किलो ये जो ज्यादा बेच रहा है, कहाँ है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कहाँ है हमारे वो चेयरमैन कमेटी जो सिंहपुरा के हैं, वो आगे इधर देखे कि ये क्या हो रहा है, और देखे चेयरमैन मार्केट कमेटी बदामी बाग, वो भी देखे। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, 100 रुपए किलो और 120 रुपए किलो यहाँ पे आते हैं, ये 80 रुपए किलो मुनाफा ले रहे हैं यार, कोई तो हो ना इनको पूछने वाला। पूछे आप, पूछे जरा, मैं अदरक का रेट देख लूँ लिस्ट में। आप जी, अदरक का रेट जो है 450 रुपए है। हाँ जी, 390 यहाँ है। ये 390 वाला ये इन्होंने गलत लिखा है, मंडी में 450 रुपए किलो बिक रहा है। अब मैं कौन सी दीवार पर जाकर अपना सर मारूं? पाकिस्तान की काश्त नहीं है मदिया, ये अदरक जो है ये तो इम्पोर्ट होता है। सही है।
ये अदरक का रेट जो है ये कराची जो बलाएं बैठी हुई हैं उन्होंने निकालना होता है, चाइना से आ रहा है। ये किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई जाती है? ये पता नहीं ये क्या करते हैं, ये डॉलर का रेट जो है ना अदरक के साथ मुंसलिक है। ये अब आपने देख लिया कि कितना अदरक जो है वो आपके सामने क्या है, रेट लिस्ट में क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है? नहीं आप ये इसने जो रेट बोल रहा है ना 400 रुपए किलो भी बिक रहा है, लेकिन आज जो अभी अदरक का रेट मंडी से निकला है ना वो 400 से लेकर 450 रुपए किलो निकला है। तो मुझे ये बताएं कि कोई भी दुकानदार जब ये 450-400 रुपए किलो लेके जाएगा तो उसने अपना मुनाफा तो उसने रखना है, लेकिन ये 450 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो आप देख लें कि इस पे जो कंट्रोल जो है वो डॉलर का है, डॉलर है वो डॉलर से मुंसलिक है ये। आखिरी ये शॉप है इसका भी हम सर्वे कर लेते हैं, अदरक की कीमत जरा आपने जो उनको दे रहे हैं ना वो बतानी है मुझे। यहाँ पे नींदी से पूछ लेती हूँ, अदरक की कीमत मालूम की है सर आपने? अदरक की कीमत नहीं मैडम, अभी हम आई हैं, प्याज हमने देखा, हमें प्यारा लगा है 35 रुपए किलो। अदरक का पूछे जरा, अदरक का क्या भाव है भाई? 100 रुपए पाव। यानी 400 किलो? हाँ जी 400। तो ये आपको 400 ही देंगे अब जी? तो इन्होंने मुझे देखकर 400 बताया, वरना आपसे 450 लेते। 100 रुपए पाव ही चलता है ये अदरक इसी रेट पर। हाँ जी ठीक है, चले यहाँ पर हम आखिरी कमेंट लेंगे चौधरी इजाज़ से और फिर हम ब्रेक की जाने चलेंगे। ये सिचुएशन सूरत हाल आज की डेट में तो हमें सस्ती सब्जी मिल जाएगी, लेकिन कल मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आज वाले रेट कल भी चलेंगे, कल वाले रेट और ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं सब्जी का रेट जो है आप कह रही हैं ना, सब्जी तो दिन ब दिन जो है वो सस्ती होगी। ये तीन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है, इसकी खपत इसकी आप ये कि हर घर की जरूरत बन जाता है, जिसकी वजह से हर कोई जो है वो ज़्यादा लेके जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। आखिर में क्या रेट लिस्ट आपसे, यानी कि आप सदर हैं मार्केट के तो मंडी के, तो आपसे पूछ के रेट लिस्ट निकाली जाती है? नहीं वो इंतजामिया का एक बंदा होता है, मार्केट कमेटी के दो बंदे होते हैं, एक आरती होता है एक मिडल मैन होता है, ये चार बंदे बैठ के उसको जो करते हैं। लेकिन आप यकीन करें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि किसी वक्त रेट लिस्ट पे जो रेट होता है उससे भी कम पे बिक रहा होता है, किसी वक्त उससे ज़्यादा बिक रहा होता है। ये तो मैं देखती ही नहीं। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जानिब और पूछेंगे ये क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने बात की है मंडी के अंदर जाकर लोगों से और आपको दिखाने की कोशिश की है कि मंडियों में सब्जियों का रेट क्या हो गया है, इस बात के पेश नज़र के दो रोज़ बाद ईद कुर्बा है, और फिर हमने बाज़ारों में देखा कि रिटेल में प्राइस क्या है वो भी आपके सामने था। इसके अलावा हमने बादामी बाग सब्जी मंडी के सदर से भी बात की। इस वक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी हमारे साथ हैं मलिक वकार साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, साथ ही साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इलेक्शन कंटेस्ट किया इन्होंने और बहुत ज़्यादा आवाम के दरमियान में ये लाहौर में मकबूल भी हैं। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो हम लोग जो हैं सबसे पहले तो मंडी गए, मंडी की रेट लिस्ट मेरे पास है यहाँ पर, मार्केट कमेटी लाहौर, मार्केट कमेटी कोटलखपत, मार्केट कमेटी मुल्तान रोड, मार्केट कमेटी सिंहपुरा, सबके सिग्नेचर हैं सेक्रेटरीज के यहाँ पर। होता यह है कि ये जो लिस्ट है पहले भी मुझे ये बेवकत लगा करती थी और अभी भी बेवकत लगा करती है, क्योंकि मैं आपकी जो आपके काम है उसके ऊपर सवाल निशान अभी खड़ा कर रही हूँ, वो ये है कि इस रेट लिस्ट पर मंडी के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ये एनालिसिस हो सकता है, आपका ख्याल हो सकता है, मैं इससे इतफाक नहीं करता। सर ये मेरा ज़मीनी हकायक पर मुश्तमिल सर्वे है, ऑन ग्राउंड सर्वे है। आप कह सकती हैं, लेकिन मैंने आज सुबह भी हम मंडी में मौजूद थे बादामी बाग मंडी में, और उधर जिधर हमें लगा कि कीमतों में कोई प्रॉब्लम है, रेट लिस्ट के मुताबिक जो लोग नहीं बेच रहे थे उनके खिलाफ हमने जुर्माने भी किए और उनको पुलिस के हवाले भी किया, या आप रिकॉर्ड से चेक भी कर सकती हैं कि और ईद तक और ईद के बाद भी रोज़ाना की बुनियाद पर मंडियों के विज़िट हुआ करेंगे, तमाम लोग मंडियों में मौजूद हुआ करेंगे ताकि आवाम के साथ जो रिलीफ का वादा है उस रिलीफ के वादे को पूरा किया जाए। ये आपने जो बात की मैंने सुन ली, लेकिन देखने वालों ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया कि जो देखने वाला है, जो वो बकरा ईद का इंतज़ार कर रहा है, बकरा ईद का मुंतज़िर है, खा उन्होंने अपने जानवर लिए हैं या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि हमें कहीं से गोश्त आएगा तो हम भी मज़े मज़े के खाने बनाएंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन अदरक का रेट देखें आप मार्केट में जाकर अपनी सिंहपुरा मंडी में,
इसके अलावा आप मिर्चों का रेट देखें और नींबू का और टमाटर का रेट देखें आप जाकर। आप यकीन नहीं करेंगे, आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रूर देखिएगा कि क्या ज़मीनी हकाइक है। ज़मीनी हकाइक जिस तरह से आप बता रही हैं, देखें ये कभी भी नहीं होता कि कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही रेट पे फिक्स हो। हम मानते नहीं, उसको कैप नहीं कर सकते ना, किसी भी रेट को कैप नहीं कर सकते। डबल रेट पर मिर्चें मिल रही हैं, 50 रुपए पाव मिर्चें मिल रही हैं। नहीं, 50 रुपए पाव नहीं है इस वक्त, 90 रुपए किलो। अच्छा, ठीक है। और 90 इसमें तीन दर्जे होते हैं। कैसे मिलेंगी मुझे बताएं, देखने वालों को मंडी से मिलेंगे। इसमें ये है कि आप बताएं, जिसको 90 रुपए के हिसाब से मिर्चें चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। और हम बैठेंगे, शहरी को चाहिए जरा नंबर अपना बता दें, फोन नंबर। फोन नंबर मार्केट कमेटी का यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं दफ्तर में मौजूद। आप जिस रेट के ऊपर मिर्चें बता रहे हैं वो तो चाहिए हमें, देखने वाला कह रहा है कि मुझे चाहिए। देखने वाले को जिसको मिर्चों की चाहिए हैं इस रेट पे, वो हमारे मार्केट कमेटी के 2 ऑफिस हैं, एक सेक्रेटेरिएट में, एक मंडी में सब ऑफिस मौजूद है, वो वहाँ पर तशरीफ लाएं। पहला ऑप्शन उनके लिए ये है कि अगर उनको इस रेट पे अगर मिर्चें नहीं मिलती तो उसकी शिकायत करें। जब वो शिकायत के लिए आएंगे तो हमारा मार्केट कमेटी का नुमाइंदा उनके साथ जाकर जितनी उसे मकदार में मिर्चें, टमाटर, अदरक कंट्रोल रेट पे चाहिए होगा, जो रेट लिस्ट पे है उसके मुताबिक वो लेकर देगा। चलें ठीक है, आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको दावत दें तो आप कोऑपरेट करके मंडी ही आ जाया करें, ताकि फिर आपको समझाने में बड़ी आसानी हो, या फिर आपको ये जो आप एक्सेप्ट करें ना चीज़ों को, वो बड़ा आसान हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको फोन कर लें या ये जो सेक्रेटरीज हैं वहाँ चले जाएं, ऑफिस चले जाएं। सेकंड ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि इस रेट लिस्ट के मुताबिक लोगों को चीजें मिलनी चाहिए और लोगों को चीजें मिल रही हैं। अगर आप ये कहती हैं, अगर मैंने जहाँ सर्वे किया, मैं सिंहपुरा सब्जी मंडी गई, अगर वहाँ पर 50 रुपए जो पाव मिर्चे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहाँ तक जाते जाते इनका क्या रेट हो जाएगा। क्या वो आपके वोटर नहीं, क्या वो शहरी नहीं, क्या वो लाहौरी नहीं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? वो भी शहरी मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 50 रुपए पाओ मिर्चें बिक रही हैं किसी भी जगह पे। नहीं समझते आप, आपको समझना चाहिए। ऐसा 2 रोज बाद ईद है और ये हो रहा है। नहीं, ऐसा है नहीं। अगर किसी एक, अब मैं सुबह जब मंडी में गया, हमारा जो विजिट चल रहे हैं उसमें मैं मंडी में गया, जब मैंने जाके देखा जहाँ पे मुझे लगा कि रेड लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं बिक रहा, हमने अपने तौर पे लोगों को चेक किया। आप ऐसा करें, मैं एक आपको ना बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। मलिक वकार एक पॉपुलर फिगर है। मलिक वकार जब एक मंडी में जाएंगे तो कोई भी अपनी कोताही कमी आपके सामने नहीं लेके आएगा। आपने खुद नहीं जाना, आपने अपने घर में या तो किसी मुलाजिम को जो मशहूर ना हो और लोगों को पता ना हो कि वो मलिक वकार से वाबस्ता है, आप उन्हें भेजें और उनका कैमरा कहीं ना कहीं खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लें, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, मेरे प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख लें। मैं आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा भी देख लेता हूं, लेकिन इसके साथ मैं आपको दावत देता हूं बकायदा कि हम अगला प्रोग्राम जब भी आपने करना है वो मंडी में ही करेंगे। सुबह के वक्त मंडी में रश भी ज़्यादा होता है, कंज्यूमर भी ज़्यादा होता है और होलसेलर भी वहां पे मौजूद होता है, जिसने जाके सब्जी की दुकान लगानी है वो भी सुबह के वक्त मंडी में मौजूद होता है, जिसने घर के लिए सब्जी फल लेकर जाना वो भी मंडी में मौजूद होता है। हम एक प्रोग्राम वहाँ पर रख लेते हैं, वहाँ पे हम पहले अपने प्रोड्यूसर को भेजेंगे आपके प्रोग्राम के, या किसी और शख्स को भेजेंगे, वो वहाँ जाकर चीज़ खरीदेगा और चीज खरीद कर आपको बताएगा कि अगर तो उसमें कोई इशू हुआ, ठीक है, तो हम वो प्रोग्राम में सामने आ जाएगा। चले, अभी मिर्चों की बात की, अदरक का रेट मंडी का सदर खुद कह रहा है कि 450 है आज की डेट में मंडी सर। मंडी के सदर अगर ये कह रहा है तो मंडी के सदर को अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे पूरी करनी चाहिए ना। जब हमने रेट इसको 380 रुपए निकाला है तो मंडी के सदर का ये काम है कि उसको बिकवाए, ना कि टीवी देख के। आप निकालते हैं सदर जी, आप निकालते हैं ये रेट या सदर? ये मार्केट कमेटी इस रेट को रेगुलेट करती है। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हम दोनों ही एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहेंगे। मैं आपको कहूँगी कि जो अदरक है वो 450 में मिल रहा है, आप मुझे कहेंगे नहीं 300 समथिंग अदरक का रेट है, और देखने वाले जो हैं उनका एतबार उठ जाएगा। अच्छा, एतबार उनका एतबार उठ जाएगा उन पर से जिनको लोग वोट देते हैं। एतबार टूटने नहीं देंगे, ना ही माजी में कभी ऐसा हुआ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब हम बात करते हैं ना रेट्स की, तो जब आपके प्रोग्राम के तवसत से बहुत सी इत्तलात हुकूमत पंजाब तक पहुंची, हमने जब ये सारी बातें उनको बताई, तो इस पे बकायदा एक कमेटी बनी जिसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर सुपरवाइज कर रहे हैं। उसमें हमारे ईएडीए साहबान जो लाहौर से हैं वो
और मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरीज हैं तमाम मार्केट्स के, वो सब के सब रोज़ाना की बुनियाद पर बैठते हैं, वो पांचों मंडियों की जो ऑक्शन होती है उसको सामने रखते हुए एनालाइज करते हुए रियलिस्टिक रेट्स निकालते हैं। ऐसे रेट्स नहीं निकालते कि जो कि इस पर कुछ हो और बिके कुछ। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, अगला प्रोग्राम जब हम करेंगे उसमें अगर रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बिक रहा होगा तो हम उस क्या होगा, अगला प्रोग्राम हो या ना हो ये जरूर होगा छोटी ईद की तरह कि जिस तरह से ब्रायलर के ऊपर बड़ा एक नेशनल हेडलाइंस बन गई थी, इस मरतबा भी यही होगा फिर। ओके चलें, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि टमाटर सस्ता होगा, आप लोग कहते थे कि टमाटर महंगा होगा, 120, 130, 140 ये उस वक्त रेट चल रहा था। आज मार्केट में टमाटर का रेट क्या आपको पता है, बताएं? और ये यहाँ पर 76 लिखा है लेकिन अपनी आंखों से 100 रुपए बिकते हुए देख क्या रही हूँ। 76 टमाटर आप वो बता रहे हैं जिसे हम सुपीरियर क्वालिटी टमाटर कहते हैं। हर चीज की तीन क्वालिटीज होती हैं, अव्वल दोम सब करते हैं हम सुपीरियर खाना। सुपीरियर नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ ना, फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल करते हैं, डिजर्व इट। सुपीरियर सुपीरियर जो होता है उसमें उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं आता, उसके साइज में फर्क आ जाता है। एक ही टमाटर को जब तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कुछ टमाटर जो बड़े साइज में होता है वो अलहदा कर लिया जाता है, उसके बाद दरमियाना, उसके बाद छोटा। हमारे पास इस वक्त जो टमाटर का आज का रेट है वो है 76 रुपए, 70 रुपए और 64 रुपए। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कागज पे, कागज पे चले ठीक है, एप्रिसिएशन आपके नाम क्योंकि आपने कागज पे लिख दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवाया उसके ऊपर मैं एप्रिशिएट नहीं कर सकता। 70 पे छोड़ें, 70 पे छोड़ें, टमाटर 140 रुपए बिक रहा था, टमाटर 80 रुपए बिक रहा है, 85 रुपए बिक रहा है, इवन 90 रुपए बिक रहा है, तो जो 40 रुपए टमाटर वापस आया उसकी एप्रिसिएशन भी तो दे ना। आया किसके लिए आया, मैं कहता हूँ कितना टमाटर चाहिए आपको 70 रुपए किलो के? मलिक साहब देखे, मैंने और आपने अल्लाह को जवाब देना है, जवाब देना, मैंने उन खवातीन को, उन मर्द हजरात को रोटन टमाटर खरीदते हुए देखा जिसके ऊपर उली लगी हुई थी। दो चीज, अगर किसी की जेब में पैसे नहीं थे तो गवारा नहीं करते थे वो, ये जो आप वाला रेट है खरीदने में। बात सुने ना, बात सुने, टमाटर चूंकि बकरा ईद में भी हर पकवान का हिस्सा होगा, इसकी मैं आपको एक छोटी सी सिर्फ 60 सेकंड में बताता हूँ। टमाटर आमतौर पे लाहौर के जो गिरदनवा के इलाके में जब होता है तो टमाटर सस्ता होता है, उसके बाद जब वहाँ पे टमाटर की फसल ख़त्म होती है तो टमाटर ईरान अफगानिस्तान से आना शुरू होता है। जो ईरान और अफगानिस्तान से आता है उसके साथ साथ टमाटर फिर KPK के डिफरेंट एरिया से आना शुरू हो जाता है। जो टमाटर ईरान से आता है वो टमाटर आता है कंटेनर में, वो टमाटर उस तरह से आप कह लें कि स्ट्रांग नहीं होता और थोड़ा सा कम टाइम में जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसका रेट ईरानी जो टमाटर होता है उसमें आपने को 2-4, 5-10, 20 दाने टमाटर कैसे देख लिए होंगे, उसका रेट भी उस हिसाब से कम होता है। लेकिन जो अफगानिस्तान से या जो KPK से टमाटर आता है वो अच्छा टमाटर होता है जो 2-3 दिन निकाल सकता है। बेहतर से बेहतरीन टमाटर भी जो इस वक्त मंडी में मौजूद है वो 70, 75, 80 रुपए में। तमाम बातें आपकी, ये वाली बात ठीक है, आपने कहा कि जो दब जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ और एंगल से आप शायद इसको समझ नहीं रहे। मैंने उन लोगों को देखा जो कि कंप्रोमाइज सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान, आप कह रहे हैं चाइना, कोई भी व्हाटएवर कंट्री से आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है मलिक साहब कि आपकी ये रेट लिस्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, बस यही मेरा मुद्दा है। इसमें इम्प्लीमेंट बिल्कुल होता है, जो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता उसको हम फारिग करते हैं, उसके खिलाफ पूरा मंडी में नहीं हुआ। अगर कोई एक आध दो शिकायत है उसको चेक कर लेते हैं, पूरी मंडी में उसको चेक कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी करें ताकि कल सुबह होते ही शहरी जो है फैजियाब हो सके। अगर सिंहपुरा मंडी में इसकी शिकायत मौजूद है, अभी हम प्रोग्राम के बाद अभी फोन करेंगे सिंहपुरा में जो सेक्रेटरी है उनको फोन करेंगे, उनके चेयरमैन। मेरे प्रोग्राम पे एक्शन लेना है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में तमाम चीजें वाजे तौर पर मैंने रिकॉर्ड की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेंगे आपके सामने, टेलीफोन करेंगे उनके जो सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद है, चेयरमैन मौजूद है, उनसे पूछेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे अपना वो अपना अपना मौकफ दें ताकि आना जो कल के दिन में इस पे काबू पाया जा सके। ठीक है, ये मुझे बताएं ईद के 2 रोज रह गए हैं, इसमें सूरत हाल कैसी रहेगी? बड़ी बेहतरीन सूरत हाल रहेगी, सस्ती सब्जियां मिलेंगी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। एक बात फिर कहूँगा कि रेट लिस्ट के रेट के मुताबिक अशिया खरीदें, इसमें आप किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक दुकानदार को इग्नोर करके दूसरे के पास या दूसरे को जाके तीसरे पे जाएं, जब हम ये इतने अवेयर नहीं होंगे अपने हकूक के लिए तब तक मामला हल नहीं होंगे। हमें अपने मामला को हल करने के लिए रेट लिस्ट के मुताबिक सामान को खरीदना होगा। ये आपकी रेट लिस्ट और मैं वेट करूंगी कि कल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए और आप एक्शन ले लें। बहुत शुक्रिया मुझे आज के प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आपकी आज की टॉप स्टोरी और हमने एक मरतबा फिर आपकी आवाज़ बनते हुए
आपका मुद्दा कंसर्न तक पहुंचा दिया है। अब बोल जो है इनके कोर्ट में है कि ये कल एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। हमें इजाजत दीजिए, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।